और राइट जी, कैसे हो जी? बढ़िया। तो आज हमें बहुत सारा काम करना है। सबसे पहली बात तो फूड शूट कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें अपनी जो कैनवस पेंटिंग है वो साफ करनी है, और फिर हमें राइड पे निकलना है। राइड पे निकलने से पहले ये सब जो भी छोटा मोटा काम है वो सब कंप्लीट कर रहा है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल राइट जी, जो फोटोशूट हो रहा है वो इंस्टाग्राम के लिए हो रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके जो भी आज का फोटोशूट है वो जाके देख सकते हो। ये सब फोटोशूट करने में बहुत मजा आता है, बट इसे समेटने के टाइम जैसा था वैसा रखने में ना बहुत ही मतलब कंटल आता है यार। अभी इतना अच्छा खूबसूरत सा मैं सजाया, अभी फिर से अभी कबाट में सब रखना पड़ेगा, तो क्या कर सकते, रखना पड़ेगा। कब ऐसा दिन आएगा कि मैं इतना कचरा वो सब फैला के बैठा हूँ और एक खूबसूरत सी परी आके ये सब कचरा साफ करेगा? कब आएगा? परी आएगी तो आएगी साफ करने के लिए कचरा, बट हमें ना जादू है। देखा था ये देखो, आप सोचते रहेंगे कि इसने चुटकी बजा दी है मतलब कचरा तो साफ हो करेगा, बट असलियत में तो मुझे ही कचरा साफ करना पड़ता है। अपना जादू भी तो कुछ नहीं, ये सब ना मुझे ही साफ करना पड़ता है। चुटकी बजा दिया, साफ हो गया, और असलियत आपको क्या पता, इसके लिए मैं सच्चाई व्लॉग बताता हूँ, ठीक है? और राइट जी, तो हमारा फोटोशूट वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें दूसरा काम करना है, वो है जो मेरी कैनवस पेंटिंग है उसे साफ करना है, और फिर हमें राइड पे निकलना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है उसी तरह से। तो हम पहले जो दूसरा काम है वो कंप्लीट करते हैं। चलो, वो है हमारी मंजिल। वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कैनवस पेंटिंग के बारे में वो ये है, दिस इज़ माई फर्स्ट बिगेस्ट कैनवस पेंटिंग। अभी फर्स्ट बिगेस्ट कैनवस पेंटिंग क्यों की थी ना, जब हम कैनवस पेंटिंग का कोर्स करते तब हमें छोटे छोटे कैनवस शीट पे पेंट करने बोलते, और जब हमारा कोर्स खत्म होता है तब हमें इसी तरह का एक बड़ा कैनवस शीट देते और पेंट करने के लिए। इसके लिए दिस इज़ माई फर्स्ट बिगेस्ट कैनवस पेंटिंग। डस्ट पार्टिकल्स देखने के थे ना, देखो इतने सारे, ऐसा लगता है कि 1 करोड़ सालों के बाद ये साफ। तीन जरूरी चीज करनी थी वो है, सबसे पहली बात तो फोटोशूट, सेकेंड है पेंटिंग को साफ करना, और थर्ड पार्ट है वो अभी बाकी है राइड पे जाना, ठीक है? तो अभी ये सब ना साफ तो बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, कॉर्नर्स भी अच्छी तरह से साफ हो गए और ये कॉर्नर्स भी अच्छी तरह से साफ हो गए, बट फ्रेम तो साफ हो गई, बट मुझे अभी साफ होना पड़ेगा। ऑल राइट जी, तो आप और मैं जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ गया है। फाइनली मैं अब ऑफिशियली राइड पे निकलने वाला हूँ, तो बहुत ही मज़ा आएगा राइड पे। राइड होने वाली, शॉर्ट राइड होने वाली, ज़्यादा बड़ी राइड नहीं होने। मेन डेस्टिनेशन तो अभी नहीं बताऊँगा, अभी तो सिर्फ इतना बताऊँगा कि मैं कार से जाने वाला हूँ। वो कार कौन सी है वो आप देख लो अभी। ये हर एक एंगल से मैं पूरी कर रहा हूँ गाड़ी का नज़रिया, देखो कितने शानदार लग रहे, ब्लैक कलर की यार, बहुत ही बढ़िया है गाड़ी। अभी आपको समझ आ जाएगा कौन सी कार है। तो अभी डायरेक्टली निकलते, बहुत अभी कर ली बातें, अभी सीधा कार के अंदर ही बातें करते हैं। तो अभी ना एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। बहुत टाइम हुआ गाड़ी स्टार्ट की, तो शायद से स्टार्ट नहीं हो रही, बट देखते एक बार। ये चाबी डाल, गाड़ी स्टार्ट हुई है मेरी, तो अभी मजा आएगा राइड पे। पेट्रोल भी थोड़ा कम, तो हमें पेट्रोल भी भराना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम निकल चुके हैं अभी राइड पर। आराम से
एक बार सिटी के बाहर निकल जाओ तब ऐसा गाड़ी खाऊंगा ना। अब फाइनली सिटी के बाहर निकल चुका हूँ मैं, ये निकल गया। और अभी क्या बॉस मज़ा आएगा राइड करने के लिए, मतलब कि यार अभी तो मक्खन वाला रोड है, अभी तो हाईवे टू हाईवे, सिर्फ थोड़ी फ्यूल की कमी है, वो तो फ्यूल स्टेशन आ जाएगा तो हम फ्यूल भरा लेंगे, बट अभी जो हाईवे का मज़ा है वो हम अभी हाईवे का मज़ा ऐसा लूटेंगे ना, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला मज़ा आएगा। ऑल राइट जी, तो फर्स्ट फ्यूल ब्रेक यहाँ पे लिया जा रहा है, अभी तक 200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और 200 किलोमीटर बाकी है, मतलब ये लास्ट फ्यूल ब्रेक रहेगा, डायरेक्टली हम जहाँ पे जाना है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, तो मज़ा आएगा। जी तो अब हम डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में एंटर कर चुके, अब भी मज़ा आएगा, मतलब कि यार नेक्स्ट लेवल का मज़ा आएगा। देखते ही देखते हमारी डेस्टिनी, मतलब कि हमें जहाँ पे जाना था वहाँ पे हम आ चुके हैं, अब जो मज़ा आएगा वो नेक्स्ट लेवल वाला होने वाला है। तो अभी हम गाड़ी पार्क करते और गाड़ी के बाहर उतर के एक राउंड सा चक्कर मारते। जी तो राइड यहाँ पे ख़त्म हो गई है, राइड भी कुछ नहीं थी, ये सिर्फ एक छोटा सा इमेजिनेशन वाला एक कॉन्सेप्ट था, वो आपको आई थिंक सो कॉन्सेप्ट समझ आ रहेगा तो बहुत ही अच्छा, नहीं समझ आ रहेगा तो मैं समझाता। आप और मैं बचपन में डॉक्टर डॉक्टर या फिर टीचर टीचर खेलते थे, उसी तरह से मैं अपने बचपन में वो सब भी गेम खेलता था, बट उससे ज़्यादा मैं ना कार ड्राइविंग खेलता था, मतलब ये बहुत पसंद है, और उससे ज़्यादा मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। तो मैं क्या करता था, इस डेस्क रहने का और एक चेयर और एक स्टेयरिंग व्हील बनाने का कार्डबोर्ड से, इस चीज़ को डेस्क चेयर और स्टेयरिंग व्हील को एक प्रॉपर सी कार को इमेजिन करता था और घंटों तक राइडिंग करता था। आई थिंक सो आप भी ये सब चीज़ें करते होंगे बचपन में, तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट था इसको बनाने का ना, मतलब जैसे हमारी उम्र बढ़ती वैसे वैसे हम बचपन की बातें भूल जाते कि बचपन में हम क्या करते थे, कैसे कैसे खेल खेलते थे, कैसे कैसे इमेजिनेशन वाले गेम्स खेलते थे, वो सब तो वही मुझे याद आया और मैंने इस जो लास्ट क्लिप है उसे बनाया। तो आई होप आपको ये जो लास्ट वाला शॉट है वो पसंद आ रहेगा, तो लाइक का बटन दबा के जाना, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक कीजिए आप, और कमेंट करना कि आप इसी तरह का इमेजिनेशन वाला गेम खेलते थे क्या नहीं खेलते थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आज के लिए बस इतना रखते, वीडियो 10:30 तक शार्प, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्टे होम। और मुझे पता है कि बहुत जन को ये जो मेरा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था वो पसंद नहीं आया होगा, आप लोग ना एक बचपन की नज़रिए से देखे होगे ना तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा।